हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। हम लोग क्लास 12 के फ्राइड सिगमंड फ्राइड की थ्योरीज के बारे में बात कर रहे थे। फ्राइड की थ्योरीज ख़त्म होने के बाद एक पोस्ट फ्राइडियन थ्योरीज हैं। पोस्ट फ्राइडियन का मतलब है फ्रॉइड के बाद। तो कुछ उनके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उनके साथ काम किया था, लेकिन उन लोगों को फ्रॉइड के थ्योरीज़ में कुछ चीज़ें नहीं पसंद आई थी, उनको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी थी या फिर उनको ठीक नहीं लगी थी। तो उन्होंने उसी में से अपने नई थ्योरी बनाई है जिसमें कुछ चेंजेस करे, पर्सनालिटी से रिलेटेड थी। ठीक है, तो उनको जो बाद में जो लोग आए थे फ्रॉइड के, जिसमें से दो तो उनके अपने ही डिसाइपल यानी स्टूडेंट्स हैं या फिर फॉलोअर्स कह सकते हो, तो उनको हम बोलते हैं पोस्ट फ्रॉइडियन। जो उनके बाद जिन्होंने थ्योरीज निकाली थी पर्सनालिटी के ऊपर ही थी जैसे फ्रॉइड ने बोला था, लेकिन कुछ चीज़ें उनसे अलग थी। ठीक है, और इनको हम नियो एनालिटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, नियो मतलब न्यू होता है, तो नई थ्योरीज हैं फ्रॉइड के बाद वाली। तो पहले इसमें हम बात करेंगे कार्ल यूंग के बारे में। कार्ल, इसको कार्ल यूंग प्रोनाउंस करते हैं, जे को हम साइलेंट लेते हैं, यू एन जी को हम प्रोनाउंस करते हैं कार्ल यूंग। तो इन्होंने जो था ये भी काफ़ी टाइम तक फ्रॉइड के साथ काम करते थे, लेकिन उनकी जो कुछ चीज़ें हैं, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ बातें उनको उसमें नहीं अच्छी लगती थी। जो फ्रॉइड हमेशा ह्यूमन बिहेवियर को सेक्सुअल डिज़ायर से कनेक्ट करते थे, तो ये कार्ल यूंग का कहना था कि ऐसे नहीं होता है हमेशा। हर तरह के ह्यूमन बिहेवियर जो है वो सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से नहीं होते, उसमें कुछ अलग तरह की मोटिवेशन या अलग तरह की चीज़ें भी होती हैं जो मोटिवेट करती हैं। इन्होंने अपनी साइकोलॉजी की थ्योरी को एनालिटिकल साइकोलॉजी नाम दिया था। ठीक है, और ये जो बात करते थे ना, ये आर्किटाइप्स की बात करते थे। आर्किटाइप्स का मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, कि कुछ ऐसी चीज़ें आर्किटाइप्स जो ये कहते थे कि सारे ह्यूमन बीइंग्स में कॉमन है। और ये जैसे हम होते हैं, बॉर्न होते हैं, उसी टाइम पे हमारे माइंड में इमेजेस ऑलरेडी होती हैं, मतलब ये इनहेरिटेड है, इनहेरिटेड और फाउंड इन ऑल मैनकाइंड, ये सब जगह कॉमन मिलेंगी। और ये हमारे अंदर पहले से ये इमेजेस होती हैं, इनको हम प्राइमोर्डियल इमेजेस भी बोलते हैं। ये इमेजेस या आर्किटाइप्स ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी से सीखते नहीं हैं या किसी को सिखानी नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी ह्यूमन बींग के अंदर प्रेजेंट होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे गॉड की बात करते हैं, तो आप किसी भी जगह पे, किसी भी कंट्री में या किसी भी रिलीजन में, किसी भी कल्चर में, सब जगह जाओ तो एक जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो सबके वहाँ कॉमन है। कहीं आपको कोई भी ऐसा कोई कल्चर या ट्राइबल, कोई ट्राइबल एरिया में भी आप चले जाओ तो कोई ट्राइब या कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे लोगों को गॉड का कॉन्सेप्ट नहीं पता। उन सबको पता है कि गॉड एक चीज़ होती है, वो किसी चीज़ को वर्शिप करते हैं, बेशक सबके अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही कोई बॉर्न होता है ह्यूमन में तो उनको ये कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होता है कि गॉड भी एक कॉन्सेप्ट है। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने बोला कि पहले से ही हमारे अंदर वो चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो बाद में जाके धीरे धीरे हमें याद आती है या ध्यान आती है। जब हम किसी से सुनते हैं या किसी से देखते हैं किसी को, तो हमें याद आ जाता है। ठीक है, तो आर्किटाइप्स इन्होंने बोला, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो आइडेंटिकल साइकिक स्ट्रक्चर कॉमन टू ऑल। ये ऐसे साइकिक स्ट्रक्चर हैं, हमारे माइंड के स्ट्रक्चर हैं जो कॉमन है सब में। मतलब आपको पूरे कहीं पे भी ह्यूमन बीइंग्स जो होंगे ना, वो उसमें ये चीज़ें आपको कॉमन दिखेंगी। उन सबको पता होगा कि गॉड किसे बोलते हैं, उन सबको पता होगा कि कोई चीज़ होती है जिसे हम वर्शिप करते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सारे ह्यूमन बीइंग्स में कॉमन मिलेंगी और अननोन नहीं होंगी सबके लिए। तो उसको इन्होंने आर्किटाइप्स नाम दिया था, और हम इसको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, कलेक्टिवली जो सबके पास है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स इसके, एक्चुअली आपको ये दो तीन वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं, तो आर्किटाइप्स और फाउंड इन ऑल मैनकाइंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये इन चीज़ों की बात करते थे कि जो आर्किटाइप्स होते हैं यही हमारी पर्सनैलिटी में आगे डेवलप करने में इनका रोल होता है। ठीक है,
कार्ल के बाद आई थी केरन हॉर्नी। केरन हॉर्नी भी इन्होंने फ्रॉयड के साथ काफ़ी काम किया था, लेकिन जब इन्होंने देखा कि वो जो फ्रॉयड है वो अपनी थ्योरी सिर्फ मेल्स के ऊपर स्टडी करके बनाते हैं, फीमेल्स को नहीं स्टडी करते हैं और उसमें सेक्सुअल डिज़ायर के ज़्यादा बात करते हैं, तो इन्होंने को केरन को उनका काम बिल्कुल भी मतलब सूटेबल नहीं लगा। उनको लगा कि इन्होंने जो है ह्यूमन बीइंग में सिर्फ एक मेल्स को ही क्यों इन्होंने एक सैंपल लेके चला, मेल फीमेल दोनों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बिहेवियर तो फीमेल्स का भी स्टडी करा जा सकता है ना। तो इन्होंने फिर अलग हटके अपनी थ्योरी बनाई थी जिसमें इन्होंने कहा था कि अगर हम फीमेल्स की बात करें, क्योंकि मेल का फ्रॉयड ने ऑलरेडी बात कर ली थी, तो इन्होंने फीमेल के लिए कहा था कि फीमेल की अगर बात करें वुमेन की, तो उनमें सोशल और कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी में जो भी चेंजेस आते हैं बिहेवियर में पर्सनैलिटी में, उसके जो डिपेंडेंट है वो सोशल और कल्चरल फैक्टर पर डिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं होते। और इन्होंने कहा था कि साइकोलॉजिकल ऑर्डर्स, अगर किसी को साइकोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है जैसे कोई, तो उसका कॉज ये होता है कि अगर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किसी के साथ, रिलेशन आपका डिस्टर्ब्ड है आपके सोसाइटी में फैमिली में किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप अगर डिस्टर्ब्ड है तो उस वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो इनका बेसिकली फोकस किस पे था, सोशल और कल्चरल फैक्टर पे। फिर थे अल्फ्रेड एडलर, इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे बात की थी। इंडिविजुअल साइकोलॉजी मतलब इन्होंने ये कहा था कि जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको मोटिवेशन के लिए सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं, एक इंटरनल मोटिवेशन और होती है जो कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। सारे ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर होता है किसी न किसी गोल को अचीव करने के लिए होता है, हम जो भी काम करते हैं वो हमें किसी न किसी टारगेट को अचीव करने के लिए करते हैं, तो वही जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है वही हमें मोटिवेट करता है अलग अलग तरीके से बिहेव करने के लिए, और वही हमारी पर्सनालिटी में दिखता है, उसी से हमारी पर्सनालिटी बनती है। तो मोटिवेशन किस लिए होती है, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने के लिए, और वो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इनके इनके अकॉर्डिंग सबके अंदर होता है कि एक जैसे गिल्ट होता है या फिर कुछ अंदर से होता है कि हमारे पास ये कमी है ये पूरी करनी है, तो उसी को पूरा करने के लिए जो हम अपना बिहेवियर करते हैं दिखाते हैं उसी को इन्होंने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बोला है। तो इनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी उस पर बेस होती है। उसके बाद आ जाते हैं एरिक फ्रॉम बात करते हैं सोशल ओरिएंटेशन की। ये बेसिकली ये बोलते हैं कि हमारी पर्सनालिटी जो है हमारे एक्सपीरियंसेस से डेवलप होती है, ठीक है। तो एक्सपीरियंसेस मतलब जैसे हमें हमारे एक इंडिविजुअल का जो पर्सनालिटी होती है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है कि हमें फ्रीडम की डिज़ायर होती है, हमें फ्रीडम चाहिए होती है और हमें ट्रूथ और जस्टिस को स्ट्राइव करने के लिए ट्रूथ और जस्टिस को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। हम हमेशा ये पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या सही है क्या क्या गलत है, और जस्टिस मतलब कि सबके साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं, मेरे साथ जस्टिस हो रहा है कि नहीं। तो ये जो हमारी ट्रेट होती है हमारे अंदर सबके अंदर आदत होती है कि हमें फ्रीडम चाहिए हमें सच्चाई जाननी है, तो यही जो सारे एक्सपीरियंस है ना यही हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। तो ये सोशल ओरिएंटेशन की बात करें कि हमारे सोशल सोसाइटी की तरफ हमारी ओरिएंटेशन कैसी है, ठीक है। और लास्ट में आते हैं एरिक एरिक्सन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने तो डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की है कि पूरी लाइफ में जो डेवलपमेंट होती है वो कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसकी, उसमें कैसे कैसे डेवलप हुआ जाता है। फ्रॉयड जनरली डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ बचपन तक की बात करते हैं, लेकिन एरिक्सन कहते हैं कि नहीं, डेवलपमेंट बचपन तक ही नहीं होता, डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग होता है, पूरी लाइफ होता है। और इन्होंने बहुत सारी स्टेजेस भी बताई हैं। उसमें ईगो की इन्होंने बात करी है कि ईगो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है, मेन फोकस जो इनकी थ्योरीज़ में वो ईगो के ऊपर ही ज़्यादा है। और आइडेंटिटी क्राइसिस इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया हुआ है अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस में कि आइडेंटिटी एक एडोलेसेंट एज होती है टीन एज जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होता है और अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ होती है उस एज में। जो उस टाइम पे वो आइडेंटिटी क्राइसिस को सॉल्व कर लेते हैं उनकी पर्सनालिटी आगे बहुत पॉजिटिव हो जाती है, और जो आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हो कर पाते सॉल्व उनकी आगे जाके पर्सनालिटी पर नेगेटिव इफेक्ट्स नज़र आते हैं। तो इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है आइडेंटिटी क्राइसिस को, और उसी के बेस पे इन्होंने पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया हुआ है। तो यहाँ पे इन सब लोगों ने पर्सनालिटी को सिर्फ बायोलॉजिकली नहीं, क्योंकि फ्रॉयड बायोलॉजिकल पे ज़्यादा फोकस करते थे, इन सब लोगों ने अलग अलग
पे फोकस किया हुआ है, कोई कह रहा है कि आर्किटाइप्स के ऊपर होता है, कोई कह रहा है कि नहीं सोशल और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि नहीं हमारा जो मोटिवेशन अंदर से ही आती है क्योंकि हमारा बिहेवियर ही गोल डायरेक्टेड होता है। फिर एरिक फ्रॉम का कहना है कि हमें एक्सपीरियंसेस से जो हम सीखते हैं उससे हमारी पर्सनालिटी बनती है, क्योंकि हमारी आदत है कि हम सोसाइटी में हमेशा ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिक्सन कह रहे हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस जो होती है उसको अगर हम सॉल्व कर लें तो उससे हमारी पर्सनालिटी ज़्यादा डेवलप होती है। तो ये सब लोग अलग अलग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने बायोलॉजिकल के ऊपर इतना फोकस नहीं दिया हुआ है, सेक्सुअल के ऊपर इतना फोकस नहीं दिया हुआ जो कि फ्रॉयड ने बात करी थी। तो इसी वजह से ना साइकोडायनामिक थ्योरी जो फ्रॉयड की है ना उसके क्रिटिसिज्म भी है बहुत सारे। बेशक वो थ्योरी कहीं ना कहीं फिट बैठ जाती है हमारी पर्सनालिटी पे, लेकिन कई लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया हुआ है कि जो फ्रॉयड है ना उन्होंने केस स्टडीज करी है लेकिन उसको साइंटिफिकली टेस्ट नहीं किया हुआ। उन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है लोगों को, लोगों की इन डेप्थ केस स्टडीज करी हुई है, पर उन्होंने उसको साइंटिफिकली कहीं पर टेस्ट नहीं करके देखा हुआ, तो उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और ज़्यादातर क्या चीज़ें सच मानी जाती है जिसका हमें साइंटिफिक प्रूफ हो, तो उनकी जो थ्योरी है ना उसका उन्होंने कोई प्रूफ नहीं ढूंढ के रखा हुआ है साइंटिफिकली। दूसरा ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिनके ऊपर टेस्ट किया है वो बड़े स्मॉल सैंपल थे, स्मॉल मतलब बहुत कम लोगों पर टेस्ट किया था, ज़्यादा लोगों पर नहीं किया, तो कम लोगों पर टेस्ट करने से वो जनरलाइज कैसे कर सकते हैं सबके ऊपर। हो सकता है जिनके ऊपर उन्होंने टेस्ट किया वो चीज़ उन्हीं के ऊपर वैलिड आ रही हो, और ज़्यादा लोगों पर करते तो हो सकता है कि उनके टेस्ट की रिलायबिलिटी नहीं आती, ठीक है। तो ये उन्होंने लिया है कि स्मॉल और ए टिपिकल सैंपल लिए थे। ए टिपिकल मतलब नॉर्मल एवरेज लोग ना लेके कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा नॉर्मल से अलग लोगों के ऊपर टेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी थोड़े से डिफरेंट ही आने थे। फिर उन्होंने थर्ड क्रिटिसिज्म दिया कि जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए भी हैं उसको डिफाइन नहीं किया हुआ ढंग से, तो हम उसको टेस्ट कैसे करें। अब उन्होंने उस टाइम ना टेस्ट किया, ना उनको कॉन्सेप्ट को क्लियरली डिफाइन किया, ना उनको इस तरीके से बताया कि उसको आगे जाके कोई और टेस्ट कर पाए साइंटिफिकली। तो वो बोल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको हम साइंटिफिकली नहीं चेक कर सकते। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने खाली मेल को ही प्रोटोटाइप मान के स्टडी किया था ह्यूमन बिहेवियर का। प्रोटोटाइप का मतलब है कि उन्होंने माना था कि मेल का जो बिहेवियर है यही बेस्ट होता है स्टडी करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि केरन हॉर्नी ने बोला था कि फीमेल्स का भी करना ज़रूरी है, बिहेवियर तो दोनों का ही आप देखोगे ना, सिर्फ मेल्स का थोड़ी देखोगे, क्योंकि बिहेवियर तो माइंड से रिलेटेड है तो दोनों का होना चाहिए। तो इन्होंने खाली मेल्स पर ही स्टडी किया था। तो ये चारों क्रिटिसिज्म है साइकोडायनामिक थ्योरी के जो फ्रॉयड के हैं, और इसी क्रिटिसिज्म के वजह से बाकी जो फ्रॉयड के बाद लोग आए थे उन्होंने अपने अपने अलग अलग थ्योरीज दी थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये थ्योरीज फिनिश होती हैं, आगे हम बिहेवियरल अप्रोच की बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसके लिए वेट किए करिए। और अच्छी लगे तो मेरी वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू।